पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। गढ़वा जिला के विशनपुरा प्रखंड के पतिहारी पंचायत में पीएम आवास योजना में बड़ा झोलझाल चल रहा है। लाभुक को पता भी नहीं है कि इसके नाम से आवास निकला है और उसका पैसा बड़ी चालाकी से किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। जाहिर है कि ऐसी बात में छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक शामिल हो सकते हैं। दरअसल हुआ ये है कि पतिहारी गांव की सहरीना बीवी के घर एक दिन प्रखंड के कुछ अधिकारी जाँच के लिए आते हैं और कहते हैं कि आप अपना पीएम आवास के पैसा से जो मकान बनवाए हैं वो दिखाइए। ये सुन सहरीना और उसके पति मसूर आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उनको आवास मिला है या नहीं ये भी पता नहीं था। दूसरे उनके किसी अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। इसके बाद आवंटिक आवास के नंबर से जो रिकॉर्ड निकाला जाता है वहाँ सहरीना बीवी की जगह किसी दूसरी महिला का फोटो लगा हुआ पाया जाता है। पीएमवाई की वेबसाइट पर जाकर कोई भी JH172800 वर्ष 2016-17 आवास संख्या डालकर इसकी जांच कर सकता है। वेबसाइट पर नाम सहरीना का है लेकिन आवास निर्माण से संबंधित अपलोड किए गए सारे फोटो किसी दूसरी महिला के थे। पीड़ित सहरीना और उसके पति मशहूर ने फोटो देखने के बाद उसकी पहचान अपने ही गांव की सफीना बीवी के रूप में की। मामले को लेकर जब सफीना बीवी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मुखिया के द्वारा उसे कहा गया था कि आपके नाम से आवास का पैसा आया है बनवा लो। इसके बाद सफीना ने आवास बनवा लिया। इसी बीच सफीना बीवी द्वारा 1,45,000 रुपए प्रखंड नाजिर को लौटाने का मामला सामने प्रकाश में आया है। सफीना ने जो पैसे वापस किए हैं उस पर वही आवास संख्या है जो पीड़ित सहरीना बीवी का है। इससे जाहिर होता है कि अधिकारी पदाधिकारी अपने तो फंसता देख उस पर दबाव बनाकर पैसा रिकवरी करवाए हैं। सोचने वाली बात यह है कि सफरीना का पैसा सफीना क्यों वापस कर रही है। घर कहाँ हुआ? पतिहारी। क्या मामला है आपके साथ? मामला ये है कि हम लोगों को जो है कुछ पता नहीं था। हाँ। और अभी वहाँ से आए विशुनपुरा से जांच पड़ताल में कि आपका आवास आया है। अच्छा। जब आवास कहाँ बनाया है तो हम लोग कहे कि हम लोग को तो पता नहीं है। तो फिर वो लगे फोटो वोटो दिखाने उसमें से। हाँ। कि देखिए आप हैं। तो हम बोले कि नहीं ये तो नहीं है, हम ये सफीना बीबी हैं, पतिहारी के हैं। अच्छा। उनका पति के नाम मुजाबिल अंसारी है। अच्छा। तो बोले कि आप नहीं बनाए, हम कहना है। तो बोले कि स्टेटमेंट दीजिए, हमें स्टेटमेंट भी निकाले, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया है। कैसे बना कैसे नहीं बना हम लोगों को कोई मालूम नहीं। अच्छा। वो बोल रहे हैं कि नहीं पैसा आपका अकाउंट में गया है, मतलब आपके नाम से आवास बना हुआ है, आपका नाम है लेकिन पैसा किसी और के पास गया है और कोई और मकान बनाया हुआ है। सफीना बीबी बना ली। सफीना बीबी मतलब वो आपके घर के पास ही है कि? नहीं, वो दूर है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। अच्छा, 1 किलोमीटर दूर उनका आवास बना हुआ है। तो इसमें आप किस किस से बात किए इस विषय में? इसके बारे में हम वीडियो साहब से बात किए, ग्राम सेवक से बात किए, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों को कोई मालूम नहीं है, आप समझिए जा करके। अच्छा। हाँ। मतलब उन लोग अपना स्टेटमेंट में बोलता है कि आप समझिए, आप समझिए जो कैसे बन गया, उतना दिन से कहाँ आप सोए थे। अच्छा। तो हम लोगों को जानकारी नहीं, हम लोग बाहर में रहते हैं, लेबर मजदूरी के काम करते हैं, तो हम लोग का पता है जो कहाँ का आया है का नहीं आया है, हम लोग कोई जानकारी नहीं। सफीना। अच्छा, आपको आवास से कैसे पता चला कि आपको आवास मिला है, आवास में नाम है? अच्छा, कि बना लीजिए। हाँ। तो हम बनाए। अच्छा, तो ये तो आपके नाम से आवास नहीं है, किसी और के नाम से आवास है। तो हम क्या जान रहे हैं कि और के अपनी आवास है? अच्छा, हमको मुखिया दिया, हम बनाए। अच्छा, मुखिया दिए। तो कहने का मतलब है कि जो इसमें पैसा आया, अब इसमें पता चला कि आपके नाम से आवास नहीं है, किसी और के नाम से आवास है। ठीक है, तो आप लोग इसको लेकर के मतलब किसी से फिर बात वत हुआ था? नहीं बात हुआ। नहीं। आपके पास कोई आवास जांच करने के लिए भी आया? नहीं आया है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मुसब्बिर। पतिहारी गांव में एक और मामला इसी प्रकार का है जिसमें आवास संख्या JH 109807 वर्ष 2016-17 जो कि महजिदनी बीवी के नाम आवंटित हुआ था। महजिदनी बीवी की मौत हो चुकी है, अब उसका पैसा गांव के ही एक दूसरी मजिंदी बीवी को मिल जाता है।
इस तरह से पैसा मिल रहा है किसी और को और जांच टीम पहुंच रही है लाभू के घर, तो आवास अता पता ही नहीं। विशनपुरा के सामाजिक कार्यकर्ता उमेश इस मामले के खुलासे करने में पीड़ितों आदि से मिले। उन्होंने बताया कि अधिकारियों पदाधिकारियों की मिली भगत से सभी लाभुकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा, इसकी जांच होनी चाहिए। मर जाओ। हाँ। अब्बू का क्या नाम है? दीपक। और अम्मी का नाम? अम्मी कहते मजीदीन। घर कहाँ है? यहाँ बाई है, पतिहारी। हाँ, पतिहारी। अच्छा, क्या मामला है? कुछ मामला ये कि मरजम बीबी के नाम से आए हैं हम इंदिरा आवास। हाँ। जानकारी नहीं है हमको। हाँ। ये मायके में रहते हैं। हाँ। ये महरूम हो गया, ये मेरा ननद है, ये दोषी महरूम हो गया। हाँ, और इसी में मामला फंसा है कि मकान हम जानिए नहीं रहे हैं कि कॉलोनी इंदिरा आवास आया है। अच्छा। जानकारी नहीं है, आजकल जानकारी हुआ तब वो आया थी में इंक्वायरी में साहब आए तो हम ये सब बताएं और तब हमको जानकारी हुआ। मतलब साहब, मतलब कहाँ से साहब आए थे? ये बिशुनपुरा से साहब आए थे, इंक्वायरी करनी थी। तो मतलब क्या मामला क्या है कि इनके नाम से आवास आया हुआ है? ये बनाए हैं कि नहीं आवास? नहीं नहीं, हम लोग जान ही नहीं रहे कि इन बनाए, इनके नाम पर दूसरा कोई बना लिया है। अच्छा, दूसरा कोई? हाँ, मतलब घर वो पूरा बना चुका है? हाँ, दूसरा कोई बना लिया है, पूरा मकान बना के उसमें रह रहे हैं वो। अच्छा। हम लोग जान नहीं रहे हैं। और इंदिरा आवास आया, हम लोग नहीं जान रहे हैं, ये मरजम बीबी का नाम से आया है, दूसरा कोई बना लिया है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसका कॉलोनी मरजम के मिल जाए, के चाहे मिलने के बाद हम लोग उठाएंगे मरजम के। अच्छा। हाँ, मरजम के हम उठाएंगे। मतलब आप लोग को आवास मिलेगा तो आप लोग पुनः से घर बनाइएगा? हाँ, बना लेंगे हम लोग। अच्छा, वो जो घर बना हुआ है वो कौन बनाया है? सर, सराज अंसारी बनाया है। सराज अंसारी, उन्हीं के नाम से बना हुआ है कि किसी और के नाम से बना? नहीं, वो पिताजी के नाम कोदू मियाँ, उनका बड़का लड़का है, वे सराज बना लिए हैं मकान। हाँ। अपना बीबी के नाम से उसमें हम फोटो देखे। हाँ। तो सुरेश महरा के फोटो। अच्छा। सराज के पत्नी का फोटो हम लोग न देखे सर। अच्छा। तो इसी पर मैंने हम खोजे खाजे लेंगे कि भाई मरजम बीबी का इंदिरा आवास आए हैं तो हम लोग के जानकारी नहीं है, वो कैसे बना लिया? अच्छा। इंदिरा आवास मरजम बीबी के मिली और हम लोग बना लेंगे तुरंत, रहने के ठिकान नहीं है, रहने के अति नहीं है, अब गरीब आदमी ने फूटा हुआ घर है। और अब्बू का क्या नाम है? अब्दुल रजाक सर। और अम्मी का नाम? पचिया बीबी। घर कहाँ हुआ? घर यहाँ पतिहारी बा। पतिहारी घर है। अच्छा, ये बताइए, आपको आवास आप बनाए हैं, आपके नाम से आवास है? हाँ। आपको कैसे पता चला कि आपके नाम से आवास है? कैसे नहीं पता चली, बाप दादा के सबके नाम बताओ थी तो बता लिया था। अच्छा, बाप दादा के नाम बताए। हाँ। ये बताइए, मरजम बीबी आपके घर में कोई है? मरजम नाम के कहाँ है? कोई नहीं है। बीपत मियाँ, मरजम बीबी के अब्बू का नाम है, जानते हैं इनको? मतलब आपके घर में मरजम बीबी कोई है जिनके पिताजी का नाम बीपत मियाँ और उनका अभी का नाम महजिदनी बीबी? नहीं है। महजिदन बीबी है, ये महजिदन बीबी हैं। लेकिन इनके अबू का क्या नाम हुआ? अब्दुल रजाक। हाँ। अम्मी का नाम? पचिया बीबी। पचिया बीबी। अच्छा, आपको पता है कि ये आपके नाम से आवास नहीं है, ये किसी और का आवास है जो कि आपको आप बनाए हैं, आपको इसके बारे में पहले से पता था? उनके का मुखिया देलन, अब बाप दादा का नाम बताओ ली। अच्छा। मुखिया देलन तब ना हम बनौली। अच्छा, मुखिया आपको दिया तब जा करके आप बनाए? हाँ, तो बाप दादा के नाम बतेबे कैल, हमारा नाम सहीबे कैल, तो हम दूसरा के नाम बतौली। मुखिया कौन है यहाँ का? मुना मुखिया। मुन्ना, मुन्ना उनका पत्नी है या वही है? हाँ, पत्नी। क्या नाम है? मुखिया भर के नाम बतावा। अच्छा, यहाँ पे कौन आपको मतलब आवास को बताने के लिए कौन आया था? मुखिया, यहाँ का मुखिया फिरदोसा बीबी है। हाँ। वो खुद आए थे कि उनका कोई प्रतिनिधि आया हुआ था? मतलब खुद अपने से आए थे कि उनका मुना जी आए। मतलब उनके पति का क्या नाम है उनका?
देखिए इधर देखिए, उनका पति का क्या नाम है? कैसे हमारा नाम में नहीं आवाला है, कैसे बताओ? मुना अंसारी। मुना अंसारी तो उनका नाम। आप कौन हुए? आपको इन सब मामलों का पता कैसे चला, इसका जानकारी दें। सबसे पहले मेरा नाम उमेश प्रसाद हुआ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बिशुनपुरा प्रखंड में जाना जाता हूँ। इस मामला से पूर्व में भी 2017 में 2 फरवरी को मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी को बुला करके मैंने मनरेगा का जो गड़बड़ी हुआ था उसका जाँच करवाया था, जो कि जाँच सही भी पाया गया था। तो इस वजह से लोग मुझे जानते हैं कि अगर कोई गलत काम होता है तो गांव के लोग मुझे ला करके बताते हैं। वैसे मुझे बिशुनपुरा प्रखंड में प्रत्येक पंचायत से लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं और मुझे बताते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास मनोवर अंसारी आते हैं कि मेरे पत्नी के नाम से आवास आया था और सफीना बीबी के नाम से किसी ने आवास बनाया है, कि आप मुझे इसका जाँच करके बताएँ। तो उस पर मैं देखा, उसको चेक किया तो वाकई में किसी दूसरे व्यक्ति के खाता में उनका पैसा गया हुआ था। उनका स्टेटमेंट वगैरह सारा चीज़ मैं निकालता हूँ, उनसे मंगवाता हूँ, उससे साफ पता चलता है। जब ये सारी बातें आती हैं तो और भी लोग हमारे पास आते हैं और इस चीज़ से मुझे पता चलता है और मुझे मौका मिलता है इन सब चीज़ों का पड़ताल, जाँच पड़ताल करने का। यही बात है और मैं चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, ऐसे कई और भी मामले हैं लेकिन मैं उसको अभी और उजागर नहीं करना चाहता। मुझे विश्वास है और मैं उम्मीद रखता हूँ ब्लॉक प्रशासन से और जिला प्रशासन से कि वो अपनी इस कमी